अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की क्लास में हम सबसे पहले साइज के मुताबिक देखते हैं। जब हम डिजाइनिंग करने बैठेंगे और सबसे अहम चीज जो है इसके अंदर साइज है, तो साइज जो है वो हमने अगर फ्लायर बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं सारे, तो आप लोग जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस कार्ड, इस्लामिक पोस्ट और फेसबुक कवर वगैरह जो है इनके साइज लिख दिए हैं मैंने, तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लायर है कि पिछली क्लास में हमने बिजनेस कार्ड का पढ़ लिया था, तो उसका जो है साइज क्या होता है, जैसा कि यहाँ है लिखा कि उसकी चौड़ाई जो है विड्थ ये 2 होगी और 3 उसकी हाइट होगी, और लैंडस्केप में हम इसको रखेंगे। जबकि जो फ्लायर होगा हमारा ये A4 लेंगे सबसे पहले, तो A4 के अंदर फिर हम जब इंचेस में करेंगे तो ये वाला साइज खुद ब खुद ही आ जाएगा 8 बाई 11, और ये हम जो फ्लायर है ये पोर्ट्रेट में रखते हैं। तो और अगर हमने इस्लामिक पोस्टर बनानी है तो उसके लिए जो है हम साइज ले सकते हैं 8 बाई 8, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों हम उसकी 8 रखेंगे। और ये आप जो आर्ट बोर्ड देख रही हैं पीछे, ये भी इसी साइज का ही लिया गया है, तो इस साइज में आपका एक अच्छी पोस्ट डिजाइन हो जाती है, इस्लामिक पोस्ट। और इसी तरह बिजनेस कार्ड का ये जो पीछे आर्ट बोर्ड है यही साइज लिया हुआ है 2 बाई 3, और इसी तरह फ्लायर का भी जो साइज मैंने लिखा है इसी साइज में ये पीछे आर्ट बोर्ड लिया है, तो आप देख सकते हैं ये कितना है इसका साइज। इसके बाद है ये जो है फेसबुक कवर जो है उसके लिए मैंने ये एक डिजाइन तैयार किया था। तो इसके अंदर जो है हमें 2 साइज लेने होते हैं। सबसे पहले जो है हमारा साइज होता है आर्ट बोर्ड का, यानी जो हमने आर्ट बोर्ड लेना है, डॉक्यूमेंट लेना है अपना, तो उसमें जो है हमने क्या साइज रखना है, जो ये वाला होगा, तो ये जो है ये साइज होगा पिक्सल्स में हम लेंगे, इंचेस में नहीं लेंगे, 820 और 360 इसका साइज लेंगे। उसके बाद हम फिर जो डिजाइनिंग करेंगे तो उसके लिए हम सेफ एरिया लेंगे। सेफ एरिया का क्या मतलब कि हमारा अक्सर ये होता है फेसबुक के लिए, ज्यादातर लोग जो है जैसा कि मोबाइल वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो भी फिर डिजाइन तैयार करते हैं तो इसी हिसाब से तैयार करना होता है ये, कि मोबाइल पर जो है हमारे ये फेसबुक कवर पर जब पिक्चर लगाएंगे तो वो मोबाइल में भी हमें नजर आए। जो जैसे ये एक मैंने ये शेर लिखा हुआ है, तो अब ये जो है ये ही ये मुकम्मल नजर आए फेसबुक कवर पर। तो अमूमन ये होता है कि नजर इस तरह से आधी कट जाती है, वो इसलिए कि वो साइज सही नहीं लिया होता। तो साइज जो है वो ये वाला हमने लेना है, तो सेफ एरिया का मतलब ये है कि जो हमें हम सही हमें जो है दिखाएगा हमारी पिक्चर को, जो है वो सही दिखाएगा, कटेगी नहीं, तो वो सेफ एरिया ये वाला है। ये जो एक मैंने शेप बनाई है तो ये इसी साइज के, यहाँ से आप देख सकते हैं 640 और नीचे उसकी हाइट है 312, तो ये आप नोट कर लेना। और इस तरह से आपने फेसबुक कवर का डिजाइन बनाना जो है साइज लेना है, और फिर डिजाइन भी आप लोगों ने देख ही लिया कि हम किस तरह से कुछ भी यानी जो भी हमने डिजाइन तैयार करना है तो वो इस सेफ एरिया के अंदर अंदर हमने तैयार करना है। बाकी जो पीछे है वो हम एक सॉलिड कलर ही रखेंगे। तो फ्लायर जो है फ्लायर होता है अमूमन ये इसमें इसके अंदर जो है जैसे हमारे कोई कारोबार है किसी का, कोई किसी का इदारा है उसको चलाने के उसके लिए, जैसे स्कूल वगैरह है तो इसी तरह मदरसा जामिया वगैरह, तो उसके लिए है। जैसे एडमिशन ओपन हो गए हैं या हमने स्कूल के मुताबिक कोई पोस्ट किसी ने बनवानी हो, या फ्लायर जो है बिजनेस है उसकी तशहीर के लिए,
तो उसमें जो है वही कंपनी नेम, इदारे का नाम और तमाम उसकी डिटेल कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, यानी उसकी जो भी एडमिशन ओपन की अगर बना रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक तमाम स्कूल के मुताबिक मदरसे के मुताबिक उसकी डिटेल आ जाएगी, और फिर जो है उसमें रापता नंबर वगैरह होगा, और ये होगा कि उसकी लोकेशन वगैरह बता दी जाएगी, और कंपनी का और लोगो होगा बाकी, तो इस तरह से। और जब बाकी ये भी हो, जो भी कस्टमर जो है वो आपको दे दे ये इसका जो भी डाटा देगा वो आप उसी के हिसाब से डिजाइन तैयार करेंगे, तो फ्लायर के अंदर ये सब आ जाता है। और बाकी आप जो है वो गूगल पर सर्च करें इन तमाम चीजों को, तो आपको जो है वो बेहतर तौर पर आइडिया हो जाएगा। इसी तरह बिजनेस कार्ड है, और उसके बाद इस्लामिक पोस्ट है, अगर आपने ये डिजाइन करनी है तो उसके लिए जो है वो आप कोई भी अगर कोई हदीस है तो हदीस के अंदर जो है वो एक उनवान लेंगे आप,